जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक हेल्दी। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा करेला। बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो मीडियम साइज के करेला ले लिए हैं। अब सबसे पहले हमें इनको चाकू से इनके दोनों तरफ से किनारे से काट लेने हैं और इसके ऊपर का छिलका से पील कर लेना है। इसी प्रकार से मैंने सारे करेले छील लिए हैं। अब हमें इनके अंदर से बीज निकालने हैं। तो अब करेला के सेंटर में ऐसे कट लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह किनारों पे छोड़ देंगे। कट लगाकर इसके अंदर जितने भी बीज हैं हमें एक स्पून या चाकू से उन्हें निकाल लेने हैं, क्योंकि हमें मसाला स्टफ करने के लिए स्पेस बनानी है। तो सारे बीज निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से सारे बीज निकाल लेंगे। ये बीज और ये छिलके बाद में काम आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से सारे करेला तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे करेले के कट लगाकर बीजों को भी अलग कर लिया है। एक चम्मच नमक ले लिया है। अब नमक को करेलों के ऊपर ऐसे रब कर देंगे, जो हमने कट लगाया था उसके अंदर भी थोड़ा नमक डालकर अंदर की तरफ भी रब कर देंगे, ताकि जो करेले में जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए। इसी प्रकार से सारे करेलों पर नमक लगाकर हमें आधा घंटा तक रखना है इनको। तो अंदर और बाहर अच्छी तरीके से नमक लगा देंगे। अब ये करेले का छिलका, उसके अंदर से जो बीज निकाले थे उनको भी हम स्टफिंग में यूज में लेने वाले हैं। ये बहुत ही हेल्दी रहते हैं। नमक डालकर मिलाकर इनको भी आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो इनमें भी जो कड़वाहट है दूर हो जाए। तो आधा घंटा हो गया है, करेले ने अपना जो बिटरनेस था वो नमक लगाने से कितना पानी रिलीज हो गया है। इन सभी करेले को साफ पानी से धो लेना है। एक बाउल में पानी ले लिया है। अब एक एक करेले को इसमें डिप करके थोड़ा रगड़ के धो लेंगे और एक बाउल में अलग रख लेंगे। और इसी प्रकार से ये बीज और ये जो छिलके नमक डाल के रखे थे इनको भी धो लेंगे। तो पानी में डाल लेंगे, इनको भी थोड़ा ऐसे रब करते हुए स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे। तो गैस पर एक बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। इस प्रकार की छेद वाली जाली रख देंगे। ये जो करेले हैं उनको एक एक करके पर रख देंगे और इसको ढक देंगे। ढक्कन लगाकर स्टीम होने के लिए रख देंगे, जब तक ये आधा पक जाए, यानी 50% स्टीम करते हुए पक जाए और 50% जब हम इन्हें फ्राई करें तब पके। स्टफिंग में डालने के लिए कुछ साबुत मसाले ले लिए हैं। एक चम्मच जीरा ले लिया है, दो चम्मच सौंफ ले लिया है और दो चम्मच ही साबुत धनिया। अब हमें इन सबको ड्राई रोस्ट करना है। गैस पर एक पैन रख दिया है। अब ये सारे साबुत मसाले इसमें डाल देंगे। और इसको लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट तक सारे साबुत मसाले को रोस्ट कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। करेले में भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है। अब इसमें एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने पर इसमें जीरा डाल देंगे, हींग भी डाल देंगे, 3-4 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था ये भी इसमें डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है ये भी इसमें डाल देंगे और इसको हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। दो हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है ये भी इसमें डाल देंगे। करेले के ऊपर का छिलका और बीज धो के रखे थे ये भी इसमें ऐड कर देंगे, डालकर अच्छे से मिला देंगे। अभी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है ये भी इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच नमक है ये भी इसमें डाल देंगे। नमक और हल्दी को अच्छे से मिला देंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम पर करके इसको ढककर हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तब तक हमारे साबुत मसाले भी ठंडे हो चुके। मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में इन सब साबुत मसालों को डाल लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो सारे साबुत मसालों को मैंने हल्का दरदरा रखा है, पाउडर फॉर्म में नहीं किया है। अब स्टफिंग को भी चेक कर लेंगे। स्टफिंग अच्छे से
सॉफ्ट हो चुकी है। जब इन साबुत मसालों को रोस्ट करके और ग्राइंड करके डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएंगे। ग्राइंड किए हुए मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है ये भी डाल देंगे। 2 चम्मच अमचूर पाउडर है ये भी डाल देंगे। डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि सारी मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें स्टफिंग को इस तरीके से सूखी सूखी रखनी है। तो स्टफिंग अच्छे से कुक हो गई है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। स्टफिंग अब अच्छे से ठंडी हो चुकी है। आधा नींबू का जूस ले लिया है ये इसमें डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो अब 1 करेले को ऐसे लेकर ये स्टफिंग इसमें डाल देंगे। स्टफिंग को अंगूठे से ऐसे थोड़ा दबाकर और इस प्रकार से सारे 1 करेले को स्टफ कर लेंगे और फिल नहीं करेंगे। सारे करेला मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं। अब करेला फ्राई करते वक्त इनकी अंदर की स्टफिंग बाहर नहीं निकले। मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। करेले को लेकर एक धागा इस पे ऐसे रेप कर लेंगे। 2-3 बार रेप करेंगे। धागे को रेप करके एक नॉट लगा देंगे ताकि करेला फ्राई करते वक्त चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो और स्टफिंग निकलने का भी चांस न रहे। इसी प्रकार से सारे करेला तैयार कर लेंगे। तो सारे करेला रेप करके तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं भरवा करेला फ्राई करने की नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। करेला को बॉयल या स्टीम न करो तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दो। अब गैस ऑन करके ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ये स्टफ्ड किए हुए करेला एक एक करके छोड़ देंगे। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 2 मिनट तक ढककर फ्राई होने देंगे। लीड हटाकर चेक कर लेंगे। करेला को एक एक करके थोड़ा थोड़ा टर्न कर देंगे। अब इनको पलट कर वापिस से ढक्कन लगाकर फ्राई होने देंगे। अलटते पलटते हुए तब तक फ्राई करना है जब तक ये हर तरफ से लाइट गोल्डन न हो जाए। वैसे हमारे करेला पहले से आधे कुक हो चुके हैं तो इनको फ्राई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बॉयल करना और स्टीम करने वाला स्टेप टोटली ऑप्शनल है, पर स्टीम करने से या फिर बॉयल करने से करेले में जो बिटरनेस है यानी कड़वाहट है वो कम हो जाती है और हमें करेले को बाद में स्टफिंग भरने के बाद में ज्यादा पकाना भी नहीं पड़ता। बॉयल करने वाला स्टेप स्किप करेंगे तो हमें फ्राई करने में ऑयल भी ज्यादा लेना पड़ेगा। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ये स्टीम करने वाला प्रोसेस जरूर करें। तो धागे से रेप करने से देखिए मसाला स्टफ किया था वो बिल्कुल से भी नहीं निकल रहा है। और अगर आप श्योर हो कि आपका मसाला नहीं निकलेगा तो आप बिना रेप किए भी फ्राई कर सकते हो। तो जिस साइड से करेला अच्छे से फ्राई हो गए हैं उस साइड को ऊपर कर देंगे और दूसरी साइड से भी वो फ्राई होने देंगे। तो देखिए सारे करेले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकाल लेंगे। सारे भरवा करेला खाने के लिए तैयार है। अब इनको सर्व करने से पहले ये जो धागा रैप किया था इनको हटा लेंगे और इनको सर्व कर लेंगे। सारे भरवा करेला बनकर तैयार है। तो आप भी भरवा करेले की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में।